मॉडर्न बाबा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वैसे तो प्रकृति के हर प्राणी का अपना महत्व और आवश्यकता है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे जीव के बारे में बता रहे हैं जो देखने में भले ही अजीब लगे, लेकिन इसकी खाल से बुलेट प्रूफ जैकेट तक बनाई जाती है। विशेषज्ञ इसका इस्तेमाल दवाइयां बनाने के लिए भी करते हैं। भारत में एक ऐसा दुर्लभ स्तनधारी वन्य जीव जो दिखने में अन्य स्तनधारियों से बिल्कुल अलग व विचित्र आकृति का, जिसके शरीर का पृष्ठ भाग खजूर के पेड़ के छिलकों की भांति कैरोटीन से बने कठोर व मजबूत चौड़े शल्कों से ढका रहता है। दूर से देखने पर यह छोटा डायनासोर जैसा प्रतीत होता है। अचानक इसे देखने पर एक बार कोई भी व्यक्ति अचंभित व डर जाता है। पेंगोलिन को डायनासोर का वंशज माना जाता है, क्योंकि उसके हड्डियों की बनावट और आकार डायनासोर से मिलता है। दुनिया भर में पेंगोलिन की 7 प्रजातियां पाई जाती है। ये वनों में पाए जाते हैं और आकार में छोटे होते हैं। पिछला पैर अगले पैर की तुलना में बड़ा और मोटा होता है। इसके दांत नहीं होते, यह जीभ से ही शिकार करता है। इसकी जीभ करीब 25 सेंटीमीटर तक होती है और यह आसानी से अपने शिकार को अपनी जीभ पर चिपका लेता है। यह कमाल का वन्य जीव है जो कई मायने में अद्भुत है। नुकीली थूथन व सुंडाकार शरीर होने से यह अपने बिल में सरलता से आ जा सकता है। वहीं शल्की कवच इसको विषम परिस्थितियों में सुरक्षा देता है। इसने एक अनोखी एवं मजबूत सुरक्षा प्रणाली भी विकसित कर रखी है, जिससे यह खतरनाक पर भक्षियों से प्रायः सुरक्षित रह जाता है। खतरा होने पर यह अपने शरीर को जलेबी नुमा कुंडलित कर फुटबॉल की भांति बना लेता है। यदि यह ऊंचे स्थान पर है तब खतरों से बचने के लिए यह फुटबॉल की भांति लुढ़क कर मैदानी क्षेत्र में आ जाता है। पेंगोलिन की खाल की दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में भारी डिमांड है। इसकी परतदार खाल का इस्तेमाल शक्तिवर्धक दवाइयों, ड्रग्स, बुलेट प्रूफ जैकेट, कपड़े और सजावट के सामान के लिए किया जाता है। आपको बताते चलें कि यूं तो पेंगोलिन के 7 प्रजाति होते हैं, पर भारत में केवल 2 प्रजातियों का पेंगोलिन पाया जाता है। इसका उपयोग अधिकतर यौन वर्धक दवा से लेकर नपुंसकता को दूर करने में किया जाता है, जिसके वजह से इसकी कीमत लाखों में है। वहीं जानकारों की अगर माने तो इसके अंगों की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 10-12 लाख रुपए तक मिलती है, लेकिन भारत में इसे 20,000 रुपये में बेचा जाता है, क्योंकि इसका उपयोग चीन और थाईलैंड जैसे देशों में नपुंसकता दूर करने और यौन पावर बढ़ाने वाली दवाई बनाने के लिए की जाती है। पेंगोलिन की अधिकतर आबादी खतरे में है। एशियाई पेंगोलिन घटते जा रहे हैं, क्योंकि लगातार इनके पर्यावास खत्म होते जा रहे हैं और इनकी त्वचा और शल्क के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और मांस के लिए इनका शिकार किया जाता है। दुनिया के कई हिस्सों में पारंपरिक औषधियों के निर्माण के लिए शल्क की काफ़ी मांग होती है। कहा जाता है कि पेंगोलिन का मांस अस्थमा के इलाज और रक्त परिसंचरण बढ़ाने में कारगर होता है। इस बात के प्रमाण मिले हैं कि पेंगोलिन परिवर्तित पर्यावास में अपने को अनुकूल ढालने में समर्थ होते हैं, बशर्ते कि वहां दीमक और चींटियां पर्याप्त मात्रा में हों और कोई उन्हें मारे नहीं। कुछ जनजातीय समुदाय जहां बड़े चाव से पेंगोलिन का मांस खाते हैं, वहीं उनके शल्क और त्वचा का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। लगातार पसरते खेत और कीटनाशकों के बढ़ते प्रयोग के चलते भी पेंगोलिन की संख्या घटती जा रही है। पेंगोलिन की दोनों प्रजातियों को IUCN द्वारा संकटापन्न प्रजातियों की सूची में रखा गया है। पेंगोलिन बड़े अतिव्यापी प्लेटों से पूरी तरह से केराटिन से बना है। सुपरिना कहती हैं, वास्तव में वे सच्चे तराजू के लिए एकमात्र ज्ञात स्तनधारी पाई हैं और स्नेहपूर्वक स्केल एंटी स्टाइल के रूप में जाने जाते हैं। तराजू ऐसा लगता है जैसे वे बेखबर हो सकते हैं, लेकिन एशिया और अफ्रीका से इन कटियों के लिए नहीं। पेंगोलिन का अर्थ है रोलर, मलय में अच्छे कारण के लिए। जब एक पेंगोलिन को खतरा महसूस होता है तो वह एक गेंद में लुढ़कता है, अपने तराजू को कठोर बाहरी कवच के रूप में उपयोग करता है। पेंगोलिन कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इस काले बेलदार पेंगोलिन की तरह तराजू के एक साथ एकमात्र ज्ञात स्तनधारी पाई है।
एक शेर को पेंगुलिन नहीं मिल सकता है। मेयर्स कहते हैं यह सांपों के हमले के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता है। वन्य जीव व्यापार नेटवर्क निगरानी ट्रैफिक के भारत अध्याय के अनुसार देश से जब्ती रिपोर्टों का सुझाव है कि 2009 से 2013 के बीच 3000 से अधिक पेंगुलिन का शिकार किया गया था। मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि इस अवधि के दौरान 25 बरामदी में लगभग 5000 किलोग्राम पेंगुलिन तराजू को जब्त कर लिया गया था। प्रत्येक पेंगुलिन में औसतन 1.5 किलोग्राम स्केल होता है, जिसका अर्थ है कि जब्त किए गए पैमानों के लिए 3350 पेंगुलिन का शिकार किया जा सकता है। और यह सिर्फ एक रूढ़िवादी अनुमान है। फरवरी की शुरुआत में नागालैंड राज्य की पुलिस ने मणिपुर की एक महिला को म्यांमार के रास्ते से 10 किलोग्राम पेंगुलिन तराजू के साथ पकड़ा। पेंगुलिन दुनिया में सबसे अधिक पाले जाने वाले जंगली जानवर हैं, जिनमें पिछले एक दशक में 10 लाख से अधिक शिकार हुए हैं। एक वन्य जीव व्यापार निगरानी नेटवर्क द्वारा किए गए शोध और विश्लेषण में पाया गया कि 2009 से 2017 के बीच 5772 पेंगुलिन के बराबर जब्त किए गए थे। 2009 से 2013 के बीच अधिकांश बरामदगी पूर्व क्षेत्र में थी, जबकि 2014 से 2017 के बीच बरामदगी मध्य और दक्षिण क्षेत्र में केंद्रित था। मणिपुर और तमिलनाडु में जब्ती की संख्या सबसे अधिक थी। भारत में पाई जाने वाली पेंगुलिन की दोनों प्रजातियों को वन्य जीव अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध किया गया है। इसलिए शिकार, व्यापार या उनके शरीर के अंगों की प्रजातियों के उपयोग के किसी अन्य रूप और डेरिवेटिव पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दोस्तों, पेंगुलिन एक बहुत ही दुर्लभ जीव है और इसे हमें बचाना चाहिए। ऐसे ही कई सारे दुर्लभ जीव हैं जिनको हमें बचाना चाहिए। आज का वीडियो देख के आपके मन में क्या विचार आया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो हमारा वीडियो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि लोगों में अवेयरनेस बढ़े कि ये जो पेंगुलिन है उसे हमें बचाना चाहिए और इसका गैरकानूनी धंधा नहीं करना चाहिए। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।